हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे फ्लेवर फिश 24 इंटू चैनल 7 में आपका स्वागत है। आज आपको हम रस भरी बनाकर दिखाएंगे। अब इसका आप मेजरमेंट समझ लीजिए। ये हमारा डेढ़ कटोरी शक्कर है चाशनी बनाने के लिए, ये हाफ नींबू का रस है और ये कलर फूड है। अब हम इसका बैटर बताते हैं आपको बनाना। ये हमारा एक कटोरी मैदा है, आप एक कटोरी मैदा ले लीजिए और इसमें क्या करेंगे, अच्छी खुशबू के लिए आप एक चम्मच घी डाल दीजिए। यदि आपका लिक्विड फॉर्म में है तो दो चम्मच डाल दीजिए और यदि आपका गाढ़ा है तो आप उसको, डार्क में है तो आप उसमें एक चम्मच डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आपकी जलेबी बनाएंगे खाएंगे तो उसमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमने देसी घी में बनाई है। और इसी में हम क्या करेंगे कि एक पूरा इनो ऐड कर देंगे और हम इसी मेजरमेंट में केवल एक कटोरी पानी, जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हम पानी इसमें डाल देंगे। और ये हम थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालेंगे, चाशनी में भी डाल सकते हैं लेकिन अगर हमारी चाशनी बचती है तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा, किसी दूसरी चीज में हम ऐड करेंगे तो दिक्कत होगी। अब इसको आप हाथ से ही रेडी करें क्योंकि उसमें हो सकता है लम्स पड़ जाएं। विसर से आप इसी से आप इस तरीके से घोल लीजिए। हमने इसमें नींबू नहीं ऐड किया है, नींबू दही इसलिए कि अगर आपको खट्टी जलेबी खानी है तो आप नींबू और दही ऐड कीजिए, नहीं तो आप इसी तरीके से सादा बना लीजिए। नींबू का रस डालेंगे तब भी खट्टा हो जाएगा, दही डालेंगे तब भी खट्टा हो जाएगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स डालिए, बताइए कैसा हम बनाते हैं। और आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि हम अच्छे से अच्छे टिप्स आपको देते हैं, आप देखिए टिप्स हमारे और फॉलो कीजिए। देखिए इसी तरीके से हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको ढककर अलग रख देते हैं। अब आपको हम चाशनी बनाना दिखाते हैं। ये देखिए एक हम पैन ले लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें डेढ़ कटोरी शक्कर हम उसमें डाल देंगे। इसका रेशियो ये रहेगा, यदि आपकी 400 ग्राम शक्कर है तो आपका 200 ग्राम पानी रहेगा और यदि आपकी 200 ग्राम शक्कर है तो आपका 100 ग्राम पानी रहेगा। और हमने ये डेढ़ कटोरी इसमें शक्कर डाल दी है। अब हम इसी मेजरमेंट से एक कटोरी इसमें हम पानी डाल देंगे। ये देखिए अब हम गैस को जला देते हैं। अब इसको घुलने देते हैं। ये देखिए चलाती रहिए, इसको घुलने दीजिए। ये देखिए हमारी चाशनी खोलने लगी है। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी चाशनी जो है क्रिस्टलाइज नहीं होगी, इसमें दाने नहीं पड़ेंगे, नहीं तो हम लोग जब इसमें कोई भी रसीली चीज बनाते हैं तो उसमें दाने दाने जैसे पड़ जाते हैं, इसीलिए हम लोग नींबू का रस ऐड करते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो इसमें आप इलायची पाउडर है, गुलाब जल है और केवड़ा है, कुछ भी खुशबू के लिए डाल सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है, आप जो जैसा मन हो आप डालें। अब इसी तरीके से हम इसको तैयार कर लेंगे। जब एक तार से कम रहेगी तब हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। अभी दिखाते हैं हम आपको। देखिए हमारी चाशनी लगभग बनकर रेडी हो गई है। यदि आपकी चाशनी में गंदा लगता हो, कुछ हल्का डार्कनेस हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। दूध के बाद में वो सारी गंदगी ऊपर आ जाएगी, उसको आप निकाल दीजिए। हमारी इसमें नहीं ऐसा हुआ। अब आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से आप जब चाशनी को लेंगी तो आप जब इस तरीके से इसको टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उंगली और इसके बीच में एक चिपचिपाहट सी बन रही है। समझ लीजिए आप आपकी रेडी हो गई है चाशनी, क्योंकि अगर एक तार बनने लगेगा तो वो ज्यादा डार्क हो जाएगी, इसीलिए आप बस ऐसा बनाइए कि उंगली में चिपचिपाहट महसूस हो रही है, बस आपकी चाशनी रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं। हम इस टाइप का पैन ले लेंगे चपटी तले का, हमारी जो रस भरी है आसानी से निकले। और यदि आपके पास नहीं है तो आप कढ़ाई में ही कोशिश कीजिए। अब हम इसमें रिफाइंड तेल डाल देंगे। देखिए हमने अपना रिफाइंड डाल दिया है। अब हम गैस को जला देते हैं और
अगर आपका मन हो तो आप इसमें भी 2 चम्मच देसी घी डाल दीजिए। जब आप बनाएंगे तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और आप न डालना चाहें तो आप प्योर रिफाइंड में बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा ऑयल हो चुका है, अब हम आपको दिखाते हैं। ये तेल जो है काफी गर्म होना चाहिए, मीडियम हाई फ्लेम पर ही इसको हम डालेंगे। अब देखिए अब हम रसभरी किस तरीके से इसमें डालेंगे। ऐसे आप चम्मच खड़ी कर दीजिए, सब गिर जाएगा, और फिर इसको हटा दीजिए। ये देखिए आप इस तरीके से लीजिए बॉल में, नीचे का हिस्सा पोंस दीजिए, उसके बाद में आप चम्मच सीधी कर दीजिए। देखिए बहुत आसानी से गिर जाएगी। ये देखिए आप कितने सुंदर हमारे बॉल्स बनना है। हम अक्सर यही चाशनी बॉल्स हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब बस इसी तरीके से सारे बॉल्स डालती जाइए। अब इनकी फ्लेम को धीमा कर देंगे हम। अब धीमी फ्लेम पर थोड़ा सा पलटेंगे इनको, जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाए। अब देखिए कितने अच्छे हमारे हो रहे हैं ये बॉल्स। इसी तरीके से हम थोड़ी देर इनको क्रिस्पी कर लेंगे, फिर चाशनी में ऐड करेंगे। अभी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम सारी बॉल्स को निकाल देंगे इसमें। अब हम आपको दिखाते हैं चाशनी में ऐड करके। पहले इसमें हम दूसरी डाल देते हैं। देखिए आपका ये लगता है कि हमारा बैटर पतला हो गया है, तो आप थोड़ा सा उसमें मैदा और भी डाल सकती हैं, बैटर को सही कर सकते हैं। बैटर पतला होगा तो ये इनका शेप बिगड़ेगा, आप खुद ही समझ जाइएगा। वैसे ये पतला नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है उसी पानी के रेशियो में गर्मी में चीज थोड़ा पतली हो जाती है और सर्दियों में वही चीज गाढ़ी हो जाती है। इसलिए आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत पतला और गाढ़ा कर सकते हैं। देखिए ये हमारी बन रही है, तब तक हम आपको दिखाते हैं इसमें चाशनी करके इसमें इनको ऐड कर देते हैं। बस हम 3-4 मिनट के लिए इनको इसमें रखेंगे। 3-4 मिनट के बाद में हम किसी स्टैंडर उस पर निकाल देंगे, जिससे कि इसकी जो चाशनी है वो निकल जाए, एक्स्ट्रा चाशनी। अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए अब हम इस छन्नी में हम सारी रसभरी निकाल देंगे। ये रस को पी चुकी हैं, अब इनको इसमें हम निकाल देंगे। इनका जो भी एक्स्ट्रा रस होगा सब इसी में आ जाएगा। और आप हर बार यही कीजिए, जिससे कि उनका सारा रस नीचे निकल जाए। आप बनाती जाएं, ये देखिए नीचे जो भी होगा वो निकल जाएगा। देखिए हमारी दूसरी भी तैयार हो गई है, इनको भी इसी तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए और इनको भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए आप इनको भी 3-4 मिनट इसी तरीके से डिप करेंगे और बाहर इसमें स्टैंडर में निकाल देंगे। आज का हमारा टिप है, यदि हम रवा का हलवा बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम 1 से 1.5 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। यदि हमारा 1/2 किलो रवा है तो हम कम से कम 4 चम्मच डालेंगे, और इसी से हमारा 250 ग्राम है तो 2 चम्मच डालेंगे। यदि आपके पास बेसन का लड्डू रखा हुआ है तो उसको इस तरीके से चूर करके जब हम रवा को भूनते हैं उसी समय ऐड कर दें, फिर आप देखिए आपका रवा का हलवा कितना स्वादिष्ट बनता है, एकदम खिला खिला बहुत अच्छा बनेगा। थैंक यू। ये देखिए हमारी रसभरी बनकर तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी बताइएगा, बना के खाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रसभरी। बिल्कुल यूनिक नया तरीका है, आप बनाइए।